गाइज अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसे इवेंट के बारे में बताऊंगा जहां से आपको फ्री ग्लोवाल की स्किन मिलने वाली है। रमजान इवेंट का एक स्पेशल इवेंट होगा जहां से आप लोग फ्री में क्लेम कर पाओगे, ठीक है। बाहर के बहुत सारे सर्वर के अंदर आ चुका है, पाकिस्तान सर्वर के अंदर आ चुका है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसा इवेंट रहेगा, ठीक है। एंड कॉल बैक इवेंट का ना अभी इंटरफेस चेंज कर दिया, उसके अंदर कौन सा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है और उसका कैसा थीम रहने वाला ना वो थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। तो मैं आपको उसका भी दिखाऊंगा कि कॉल बैक इवेंट कंप्लीट करोगे फ्री आइटम्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट अपडेट के बारे में हमारा। तो यहाँ पर फर्स्ट अपडेट ये है कि यार हमारे को ना हमारे गेम के अंदर अभी एक स्कार्फ की स्किन आएगी, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लगी। मेरे को लगा कि आप लोग को दिखाना चाहिए यार, मतलब कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो ना एकदम रेड रेड है ना, काफी यार डेंजरस टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा हमारे गेम के एक स्पेशल इवेंट आएगा, ठीक है। अभी इवेंट का यहाँ पर नाम कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन आप लोग को विथ इन अ मंथ ये वाला स्कार्फ की स्किन मिल जाएगी। तो जिन बंदों के पास कोई भी स्कार्फ की स्किन नहीं वो यहाँ पर निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए डायमंड्स लगेंगे, ठीक है। डायमंड वाला इवेंट होगा तो मेरे को ये काफी अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि यार देखो जिन बंदों ने मिस कर दिया सीजन 2 का स्कार्फ की स्किन वो नहीं निकाल पाए तो वो लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी चलो बात करते हैं हमारा बैक एंड फोर्थ इमोट के बारे में। तो देखो जो हमारा अभी टॉप अप इवेंट चल रहा है ना टॉयलेट वाला, ठीक है, उसमें यहाँ पर हम लोग को जो इमोट दिया जा रहा है वो अलग इमोट है, ठीक है। लेकिन अभी जो बैक एंड फोर्थ वाला इमोट जो है वो आप लोग को जल्दी ही देखने को मिलेगा मोको स्टोर में, ठीक है। ये काफी मतलब अच्छा मोको स्टोर है। यहाँ पर देखो आप लोग को बहुत सारी चीजें दिखाई जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो साइथ की स्किन है, ठीक है, एंड हमारा जो नाइफ होता है नाइफ जो रहेगा वो चप्पल की स्किन रहेगी, ठीक है। ये काफी पुराना अपडेट हो चुका है, मतलब चप्पल की स्किन आने वाली थी, मतलब थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये काफी अच्छा लगा, ठीक है। एंड पैन की स्किन एंड डायमंड वॉल वेपन वॉल वाउचर ये सब चीजें रहेंगे। तो ये जो हमारा बैक एंड फोर्थ वाला इमोट जो है ये आपको देखने को मिलेगा मोको स्टोर के अंदर, जिसके अंदर देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, थोड़ा पर्सनल चीज है मैं, कि यहाँ पर जो भी मोको स्टोर या फिर जो भी ये सारी चीजें आती है ना उसके अंदर से मेरे को ना एक स्पिन में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, मतलब इंस्टा पे डालता रहता हूँ, मेरे को एक स्पिन के अंदर ही ना मतलब मिल जाते हैं सारे रिवॉर्ड्स, ठीक है, मतलब एक स्पिन या फिर दो स्पिन मारता हूँ मैक्सिमम, लेकिन उसमें से मतलब जो ग्रैंड रिवॉर्ड रहता है ग्रैंड प्राइस वो मेरे को एक बार में मिल जाता है। तो यार काफी बंदे इंस्टा पे पूछते रहते हैं भाई इसका कोई ट्रिक है, भाई ट्रिक बताओ ना यार, कुछ तुम हैक वैक लगाते हो क्या? देखो हैक लगाऊंगा तो आईडी बैन हो जाएगी, हैक वैक कुछ नहीं है, बस सिंपल सा बात है। देखो यार गईना क्या चाहती है, गईना चाहती है कि आप उसके गेम में लंबे समय तक टिको और डायमंड पे डायमंड मारो, ठीक है, फूक मारो डायमंड को। लेकिन सीन क्या होता है कि मैं यहाँ पर डायमंड टॉप करता नहीं हूँ और मेरे को वो लोग ना देते हैं सारी चीजें ताकि जल्दी दे देते हैं ताकि वो लोग को पता चले, मतलब मेरे को पता चले कि भाई इनका कितना वैल्यू है, ठीक है, गेम के अंदर, ताकि मैं अगली बार ज्यादा डायमंड टॉप करके लूँ। लेकिन मैं ज्यादा डायमंड टॉप करता ही नहीं हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरे को बहुत ही जल्दी मिल जाता है, ऊपर से गेम में थोड़ा सही से खेल लेता हूँ ना, तो लगता है कि हाँ चलो ये मतलब लॉन्ग टर्म खेलेगा बंदा तो इसको टॉप अप मरवाना जरूरी, इसको आदत लगवाना जरूरी है। लेकिन टॉप अप नहीं करता हूँ मैं करता हूँ सिर्फ वीकली और मंथली मेंबरशिप, जिसकी वजह से मेरे को मिल जाते हैं सारे रिवॉर्ड्स एकदम आसानी से, ठीक है। अभी चलो बात करते हैं हमारे रमजान इवेंट के बारे में। तो तुम लोग का इवेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कितना तुम लोग को रिवॉर्ड मिला, मतलब जो टोटल जो हमारा मतलब वेब इवेंट है ना उसके अंदर 5 रिवॉर्ड है, ठीक है, जो सबसे टॉप में वो इमोट है, ठीक है, मेरे को 3 रिवॉर्ड मिल चुके हैं, अभी तीसरा मतलब पैराशूट मिल चुका है, अभी इमोट और वो मिलना बाकी है, ठीक है। तो तुम लोगों को कितना मिला वो अभी मेरे को बताना। अभी हम लोग बात करते हैं रमजान का विश इवेंट आएगा, ठीक है, तो ब्लेसिंग ऑफ रमजान नाम का वो इवेंट होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरफेस कैसा। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो ये है गिफ्ट ऑफ रमजान, ठीक है, इसके अंदर आप लोग को मतलब बहुत सारे आइटम्स रहेंगे, जैसे कि ब्रेक डांसर बंडल रेयर बंडल्स रहेगा, ठीक है, एंड काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर गन स्किन वगैरह बहुत सारी चीजें रहेंगे, ठीक है, बहुत मतलब इसमें बंडल्स का मतलब ना, इसीलिए तो मैं इसको कहता हूँ रमजान विश इवेंट, क्योंकि इसके अंदर से आप लोग को विश मांगने के डायमंड्स लगते हैं, ठीक है, मतलब नाम बस ऐसे रख दिया गया है कि गिफ्ट ऑफ रमजान, लेकिन हम लोग को गिफ्ट में कुछ नहीं मिलेगा, हम लोगों को लगाने पड़ेंगे पैसे, ठीक है, पैसे लगाओगे तभी गहीना वाले गिफ्ट देंगे, फ्री में कुछ भी नहीं देते ये लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने तुम लोग को दिखा दिया है सारी चीजें, अभी चलो बात करते हैं हम लोग कुछ फ्री के आइटम्स के बारे में कि भाई हम लोग को फ्री में भाई अभी क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो यार रमजान इवेंट का पीक डे जो रहेगा उसके अंदर पता ही है तुम लोग को, मतलब यार बहुत सारे रिवॉर्ड्स उसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यार जो अभी हम लोग को जो पता नहीं है, ठीक है, वो मैं आप लोग को चीजें बताता हूँ। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कॉल बैक इवेंट के बारे में कि भाई कॉल बैक इवेंट का क्या सीन चल रहा है। तो देखो कॉल बैक इवेंट में नॉर्मली क्या करना रहता है ना, पहले का अभी कॉल बैक इवेंट और अभी का कॉल बैक इवेंट ना थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। मतलब अभी रिसेंटली आप लोग को याद होगा कि एक कॉल बैक इवेंट आया था जिसमें हम लोग को बस एक ही फ्रेंड को कॉल बैक करना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ हम लोग को गेम प्ले करना है। पहले क्या था, पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था कि 7 मतलब नूब आईडी को या फिर जो इनएक्टिव आईडी है उनको यहाँ पर बुलाना पड़ता था, तो गईना को लगता था कि भाई इससे क्या होंगे कि मतलब जो ओल्ड प्लेयर्स है वो यहाँ पर एक्टिव होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम लोगों ने क्या किया कि ट्रिक लगा लिया, हम लोग बहुत सारे आईडी को क्रिएट कर लिए, उसके बाद उसी में से मतलब कॉल बैक करते रहते थे और हम लोग को रिवॉर्ड्स मिलता रहता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या सीन है कि अभी गईना को दिमाग आ गया, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही बंदे को तुमको इन्वाइट करना है, लेकिन उस बंदे के साथ तुमको गेम प्ले करना है, 4-5 गेम प्ले करोगे तब जाके तुम लोग को रिवॉर्ड्स मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं आप लोग को कॉल बैक इवेंट कैसा होने वाला मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यार यहाँ पर एक बाहर के सर्वर के अंदर कॉल बैक इवेंट आया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या करना रहेगा कि आपको एक कोड इंटर करना रहेगा, अपने दोस्त से कोड मांग लेना, मतलब दो आईडी को बाइंड करना है, एंड जिस आईडी के साथ बाइंड करोगे मतलब
मतलब पुरानी जो नूब आईडी होगी उसकी, तो उसमें आपको गेम प्ले करना है। मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिंपली देखो कि आपको क्या करना है कि आपको ना एक नूब आईडी या फिर इनएक्टिव आईडी को ना अपनी आईडी से बैन कर मतलब बाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है कि उस नूब आईडी के साथ आपको गेम प्ले करना है, ठीक है। हो सकता है वो आपका फ्रेंड है या फिर आप अपनी दूसरी आईडी से दूसरे फोन से जो भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें से आप लोग को अगर 15 गेम प्ले करोगे तो आपको एक बंडल जो है ना वो फ्री का मिलेगा, ठीक है। एंड मैं आपको याद दिला दूं कि ये वाला जो इवेंट है ना ये पहले आ चुका है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग को एक बार बंडल मिला। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा लेकिन मेरे को अच्छे से याद है, मैंने वाला इवेंट कंप्लीट किया था एंड गलती से मैंने ना मतलब दूसरी आईडी बैन कर मतलब बाइंड कर दी थी, जिसकी वजह से मतलब मेरे को थोड़ा दिक्कत हुआ था, ठीक है। तो सिंपली मैंने आप लोग को बता दिया ये सारी चीज़ें। तो यार कैसा लगा तुम लोग को कॉल बैक इवेंट अभी बताना, मतलब मेरे को काफ़ी सही लगा, ठीक है। अभी बात करते हैं एक यहाँ पर रिटर्न इवेंट के बारे में, ठीक है। रिटर्न मतलब क्या है कि काफ़ी बंदे पूछते रहते हैं, जैसे कि अभी हमारा कोबरा जो मतलब होता है ना कोबरा MP40 है और जो भी एवोल्यूशन गन स्किन्स वगैरह जो है वो अभी रिटर्न में है। ये तो काफ़ी बंदे पूछते रहते हैं कि वो जो हमारा गोल्डन सेट बंडल है जो आपको पता होगा कि भाई काफ़ी चमकीला लगता है, ठीक है, गोल्डन सेट बंडल भाई वो कब रिटर्न में आने वाला, उसका इनक्यूबेटर क्या रिटर्न में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी मतलब ना यहाँ पर एक सर्वर के अंदर, जापान सर्वर के अंदर ये वाला जो मतलब इनक्यूबेटर है ना ये रिटर्न में दिया, लेकिन ये अलग इवेंट के अंदर दिया, ठीक है। मैं आप लोग को इवेंट का इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो इस टाइप का जो हमारा इवेंट आता ना टावर वाला है, तो इस टाइप का यहाँ पर इवेंट होने वाला है। तो इसके अंदर से गाइस आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो गोल्डन सेट बंडल, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी ये वाला बंडल है, मतलब मेरे को काफ़ी सस्ते में मिल गया था, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया था कि स्पिन किया था तो मेरे को काफ़ी जल्दी ना मतलब मेरे को ब्लू प्रिंट मिल गया था एंड मेरे पास ऑलरेडी था वो वाला मतलब जो एवोल्यूशन स्टोन होता वो ऑलरेडी था, तो मैंने यहाँ पर टॉप वाला बंडल निकाल लिया। तो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई ये वाला बंडल आप लोग को मतलब ले पहन के खेलो तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है कि हमारे सर्वर के अंदर ना बहुत ही जल्दी वाला ये वाला जो इवेंट है ये देखने को आपको मिल जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे फ्री फ्री वाले इवेंट आने वाले हैं। तो बीच में हो सकता है कि ये वाला जो इवेंट है रिटर्न वाला जो इवेंट है कहीं ना रिटर्न लाते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला जो मतलब इनक्यूबेटर का जो पूरा सेट है ये आप लोग को रिटर्न में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यार ये वाला अपडेट आपको कैसा लगा अभी आप लोग मेरे को कॉमेंट में बताना, ठीक है। अभी चलो बात करते हैं हमारे रमजान इवेंट के फ्री ग्लोबल स्किन के बारे में। तो मैंने आप लोग को बताया था कि कॉल बैक इवेंट के अंदर आप लोगों को रमजान इवेंट का जो मतलब ग्लोबल स्किन होता है ना वो आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन अभी इंटरफेस को ही चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर बंडल मिलने वाला है, तो बंडल इसमें मिल जाएगा। तो यार रमजान इवेंट का जो ग्लोबल की स्किन है भाई वो हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगी, तो यार वो हम लोग को देखने को मिलेगी एक अलग से ही इवेंट के अंदर। क्योंकि देखो यहाँ पर सीन क्या है कि यार ये जो ग्लोबल की स्किन है ना ये सारे सर्वर के अंदर फ्री में दी जा रही है, ठीक है। अलग अलग टाइप से मिल रहा है, जैसे किसी को पीक डे के अंदर लॉग इन रिवॉर्ड में मिला, हम लोग को तो अभी इसका कुछ खबर नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग को जल्दी ही देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को इंटरफेस पूरा दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान सर्वर के अंदर आया तो हमारे सर्वर के अंदर भी आएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो ये हमारे पाकिस्तान सर्वर का वेब इवेंट, ठीक है। तो हम लोग को लॉग इन इवेंट पे कुछ आए दूसरा आइटम मिल रहा है, ये लोग को मिल रहे हैं ग्लोबल की स्किन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर क्लेम बटन पे जैसे क्लिक किया तो मेरे को मिल गया कि यार यहाँ पर पीक डे आ चुका। तो यार यहाँ पर ये लोग को ये जो इवेंट के अंदर ये वाली जो ग्लोबल की स्किन मिल रही है इसमें मतलब थोड़ा सा वो है, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं यार उसको, ये जो हमारा न्यू पेट है ना उसका यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया। तो ये वाला जो इवेंट है ना मतलब ये वाला जो हमारा ये ग्लोबल की स्किन है ये आप लोग को जल्दी ही फ्री में देखने को मिल सकती है, ठीक है। मतलब पूरे चांसेस बनते हैं क्योंकि सारे सर्वर के अंदर मतलब जो लॉग इन रिवॉर्ड होता है ना वो मतलब मिलता ही है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सारे अपडेट्स बता दिए, होप करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।